नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर वर्धन एडू हब में। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग अपना यूपीपी एंड बिहार बीपीएससी टीचर्स के जो वैकेंसी आ रही हैं उस पर हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट और मॉडल प्रैक्टिस सेट जो कुछ हमारे से हो सकता है वो हम लाने का आपसे प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को 2 दिन से हिंदी के वीडियो मिल रहे थे, आज इसके यूपीपी के कंटेंट में हम लोग अपना एक और मॉडल प्रैक्टिस सेट को ऐड कर रहे हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 है, पहला और दूसरा मैं आपको करा चुका हूँ। बिहार जीके का मैं वीडियो कल आपके लिए अपलोड करा दूंगा, ये आज यूपीपी के लिए वीडियो में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 से 38 तक आपके पास जीके जीएस के अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो आपको देखकर मजा आएगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और लेते हैं आपका पहला प्रश्न। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है आज का, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या झारखंड। फ्रेंड, आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी जिसका नाम है KGF कोलार गोल्ड फील्ड, है ना, जो पूरा आपका सोने से ही संबंधित है। और ये आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका कर्नाटक में, यानी कोलार गोल्ड फील्ड जो है ये ओरिजिनल है, कर्नाटक जो है वो सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कृषि और संबंध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वयन करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन है? तो वो है फ्रेंड आपका नाबार्ड। कौन है आपका? नाबार्ड। अब जरा खोजिए, नाबार्ड कहाँ लगा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नहीं भैया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं होगा, राज्य व्यापार निगम नहीं होगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी तो आप बता दीजिएगा सर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। पाल वंश के बाद बंगाल में जो राजवंश आया वो कौन था? सेन, गौड, इलियास या गणेश? तो वो था फ्रेंड आपका सेन वंश, ध्यान रखिएगा। इनके जो सामंत थे विजया सेन, क्या नाम था उनका? विजया सेन। उन्होंने ही सेन वंश की स्थापना आपके पाल वंश के बाद बंगाल में की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? केप टाउन, ब्लूमफोंटीन, प्रिटोरिया, डरबन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपकी प्रिटोरिया। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की आपकी एक प्रशासनिक राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी या नदियां? देखिए प्रकृति की सुरक्षा वॉल जो वॉल वॉल की बात करेंगे वॉल ध्यान रखिएगा वॉल की बात करेंगे तो ओजोन गैस, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है फ्रेंड वॉल्व की। वॉल्व क्या है आपके? वॉल है आपके ज्वालामुखी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग पड़ता है? देखिए हिमालय को वैसे तो हम लोग 3 अलग अलग श्रेणियों में तोड़ के पढ़ लेते हैं, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक श्रेणियां, ठीक। और इन्हीं जो आपके मध्य हिमालय के भाग के नीचे की बात करें, इसको हम लोगों ने 4 भागों में तोड़ दिया है, 1, 2, 3 और 4। पहला भाग जो पड़ता है वो फ्रेंड आपका पंजाब हिमालय है, दूसरा भाग जो पड़ता है वो आपका फ्रेंड कुमायूं हिमालय, ध्यान रखिएगा कुमायूं हिमालय जो आपका उत्तराखंड में पड़ता है, नेपाल हिमालय नेपाल में पड़ता है और असम वाला हिमालय आपका असम क्षेत्र में पड़ता है। तो काली एवं तिस्ता नदियां जो फ्रेंड है ये आपकी नेपाल से निकलती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हिमालय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, लोक नृत्य बोहांग बिहू कहाँ प्रचलित है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बिहू से क्वेश्चन ना बने ये तो पॉसिबल ही, मतलब हो ही नहीं सकता कि बिहू से क्वेश्चन आना ही आना है। तो बिहू आपको पता ही है कि कहाँ फेमस है, बिहू जो फ्रेंड आपका है वो है असम का। ध्यान रखिएगा 3 प्रकार का होता है, गोपाल बिहू, बोहांग बिहू और कली बिहू, ठीक। तो इसमें से जो असम है वहीं पर आपका बिहू होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा संख्या N में दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की, अच्छा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? एन क्या दिखाती है? एन दिखाती है फ्रेंड आपके कोषों की संख्या, और इसमें अधिकतम जो हो सकती है वो होती है फ्रेंड 2n² ध्यान रखिएगा 2 × n² अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा यही हो सकती है। अब एन का मान अगर 2 है तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 आ जाएगा, है ना। ऐसे करके हम लोग एन के मान को रख सकते हैं, एन दिखाता है आपके कोषों की
संख्या। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपर रूप नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन का अपर रूप नहीं है, हीरा, ग्रेफाइट, C60 या मीथेन। तो हीरा, ग्रेफाइट और C60 तीनों कार्बन के अपर रूप हैं, लेकिन मीथेन जो है ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। ये आपका एक प्रकार की गैस है मीथेन, जिसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं या इसको हम लोग प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। आपका जो CNG होता है उसमें लगभग 90% तक मीथेन की ही आपकी क्या कहते हैं मात्रा आई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। धन विधेयक बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 56, 110, 252 या 256। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 110, जिसमें आपके धन विधेयक की परिभाषा को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 एवं 12 देख लेते हैं क्या है। भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लागू किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राजकीय तथा वित्तीय आपातकाल दोनों। तो बात करें, राजकीय आपातकाल जैसी कोई चीज ही नहीं है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 और वित्तीय आपातकाल 360। ध्यान रखिएगा, वित्तीय आपातकाल का एक बार भी प्रयोग आपका भारत में नहीं किया गया है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के समय में आपकी लगाई गई थी, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ये वर्णित है। और ये तभी लगती है जब भारत में मान लो युद्ध हो या बाहर कोई भी आक्रमण पे हो जाता है। अगला है, अचानक किसी गतिविधि के दौरान अम्ल निर्माण के कारण हमारी पेशियां में ऐठन उत्पन्न होती है, ये कौन सा अम्ल होता है। लैक्टिक, पायरुविक, कार्बोनिक या ऑक्सैलिक। देखिए, जो लैक्टिक एसिड होता है उससे हमारा क्या होता है, जो जॉइंट होते हैं, जॉइंट पेन जो हमें होता है, जिसको हम लोग गठिया रोग कहते हैं, क्या कहते हैं, गठिया, ये आपका लैक्टिक एसिड की जो मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाती है तो वो आपका दर्द करना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 13, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। एम स्लेडन तथा टी श्वान, विर्शा, जे ई पुरकिंजे या लुवेन हॉक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका स्लेडन एवं श्वान ने आपका कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई के रूप में प्रस्तुत किया था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी बंदूक से 10 ग्राम द्रव्यमान वाली एक गोली 20 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग से चलाई जाती है। बंदूक के पीछे हटने का वेग मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग इसमें लगाएंगे फ्रेंड, M1V1 बराबर M2V2। क्या लगाएंगे, M1V1 बराबर M2V2। अब मुझे यहाँ पे जगह कम दिख रही है, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऊपर आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ M1V1 बराबर M2V2। M1 कितना है हमारा, M1 है 2 और वेट कितना है, वेट हमारा फ्रेंड 10 ग्राम। तो 10 ग्राम को पहले हम लोग केजी में बदलते हैं तो आ जाएगा 0.01 kg बराबर कितने से चली है, तो चली है आपकी 2 पीस से गुड़े में V निकालना है आपको। तो यहां से क्या होगा आपका, यहां से जब हम लोग काटा झट्टा करेंगे 2 किलोग्राम वाली बंदूक को, ठीक है, तो काटते हैं, ये आपका यहां से कटा तो नीचे आएगा 0, ठीक, ये आ जाएगा, ये 2 से 10 कट जाएगा, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, तो ये वी बराबर कितना आ जाएगा, वी बराबर जाएगा 0.1, कितना आ जाएगा 0.1, ध्यान रखिएगा 0.1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा लगाने का समय गुणनफल के परिवर्तन के बराबर होता है। त्वरण, आघूर्ण, संवेग या वेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका संवेग, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह जिसे कहा जाता है और गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं, क्रोड, मेंटल, कोर। और कोर को ही हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, भू परपटी, ध्यान रखिएगा, क्रस्ट जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, कोर, मेंटल, क्रस्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को जिस तरीके से प्रभावित करती है उसमें शामिल है अपनी रुचि के अनुसार हमारे सीखने और हमारे सीखने के पाठ्यक्रम का रूप बनाने के तरीके में सहायता करना, सामाजिक,
प्रौद्योगिक, शैक्षिक या व्यक्तिगत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका व्यक्तिगत, अपनी रुचि के अनुसार सीखना। श्रीलंका द्वीप को पहले कहा जाता था मेडागास्कर, तस्मानिया, सीलोन या इनमें से कोई नहीं। तो श्रीलंका द्वीप को पहले सीलोन के नाम से हम लोग जानते थे और ये आपका फेमस भी है। रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? T.S. इलियट, प्लेटो, जॉन रस्किन या लियो टॉलस्टॉय। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड और ये तो बहुत पूछा जाता है। ये पुस्तक आपकी प्लेटो महोदय की है रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारी जल प्रकल्प तलचर और उर्वरक संयंत्र पारादीप इस राज्य के प्रसिद्ध उद्योग धंधे हैं। ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल। तो पारादीप तो आपको पता ही होगा, पारादीप आपका ओडिशा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरेंट कप इस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या वॉलीबॉल। तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है और ध्यान रखिएगा फुटबॉल का सबसे पुराना कप है, कप शुरू हुआ था सन 1828 में। ये MTS में पूछा भी गया था कि डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है और यह कब शुरू हुआ था, तो 1828 में। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 22 है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? गोदावरी, पंबन, हावड़ा या बोगीबील। तो ये आपका अभी वीडियो के पेपर में पूछा गया था, तो हो सकता है दोबारा भी रिपीट कर दिया जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड आपका बोगीबील ब्रिज। अगला आता है क्वेश्चन 23 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष या लोकसभा के पहले अध्यक्ष। तो आपको पता होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला आता है, आर्थिक वस्तुएं होती हैं मांग की तुलना में जो वस्तु सीमित मात्रा में हो, मांग के अनुसार जो वस्तु उपलब्ध होती है, मांग की तुलना में जो वस्तु अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, आर्थिक वस्तुएं उन्हें कहा जाता है जो मांग की तुलना में वस्तु सीमित होती है, ध्यान रखिएगा लिमिटेड होती है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं आर्थिक वस्तुएं, यानी इकोनॉमिकल थिंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस प्रसिद्ध गाने की रचना किसने की? जयदेव, मोहम्मद इकबाल, बंकिमचंद चटर्जी या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रगान लिखा है जन गण मन, ध्यान रखिएगा। ठीक, बंकिमचंद चटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम, वंदे मातरम। वही बात करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने लिखा है हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा उत्सव में नावों की दौड़ यानी वोट रेस का विशेष आकर्षण होता है? ओणम, रंगोली बिहू, नवरात्रि या पोंगल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ओणम। ओणम जो कि आपके केरल राज्य का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है, ध्यान रखिएगा, और ये आपका जब किया जाता है तो उसमें वोट रेस यानी नावों की दौड़ चप्पू चलाकर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, चिकनकारी काम जो पारंपरिक फुलकारी कला है निम्न में से किस जगह पर प्रसिद्ध है? लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर या मैसूर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा लखनऊ। चिकनकारी जो है वो तो लखनऊ की फेमस ही है, इसीलिए आपसे ध्यान रखेगा। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना या कर्नाटक। तो इसकी ट्रिक बहुत बढ़िया है फ्रेंड, ट्रिक क्या है, तू MBA कर, यानी तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक, ये राज्य ऐसे हैं जहां पे आपका विधान परिषद पाया जाता है। केरल राज्य में आपका विधान परिषद नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला आता है, समाज के बगैर आदमी या तो पशु है या भगवान, ऐसा किसने कहा था? प्लेटो, गांधी, अरस्तु या हेनरी मैन ने। तो ऐसे कहने वाले जो हमारे योग पुरुष हैं वो आपके फ्रेंड अरिस्टोटल या फिर अरस्तु। अगला आता है, प्लासी की लड़ाई इस वर्ष लड़ी गई 1757, 1782, 1748 या 1764। तो प्लासी की जो युद्ध था फ्रेंड, या जिसे हम लोग बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, ये 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस कंपनी के जो गवर्नर थे जिसका नाम था, या कह सकते हैं कमांडर थे, रॉबर्ट क्लाइव, इन लोगों के बीच में लड़ा गया, जिसमें आपका रॉबर्ट क्लाइव अर्थात जो कंपनी है वो जीत जाती है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 31, 1937 के चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिपरिषद में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? अब देखिए ये क्वेश्चन कितना डीप है, क्योंकि आप चुनाव में जो उनके मुख्यमंत्री बने थे उन्हें पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए आते हैं। जानकारी के लिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो रफी अहमद किदवई साहब है, रफी अहमद किदवई साहब जो है ये आपके बने थे क्या, ये बने थे आपके वित्त मंत्री। फिलहाल ऐसे क्वेश्चनों को
कोशिश करिएगा कि अगर आपको नहीं पता है तो तुक्का मत लगाइएगा, स्किप करके ही आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। अगला आता है उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है। प्रवेश निषेध है, बाहरी वाहनों के लिए वाहन खड़ा करना मना है, या प्रतिबंधित समाप्त। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है प्रवेश निषेध है, यानी आपका जो प्रवेश है आगे नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, बांग्लादेश से, ब्राजील से, पाकिस्तान से, या फिर इंडोनेशिया से। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बांग्लादेश और पाकिस्तान से तो अधिक है, दोनों ऑप्शन ए और सी। ए और सी ये रहा ऑप्शन नंबर दो में ए और सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन के चांसेस प्रबल हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है उबारा, पनकी, नरौरा या हरदुआगंज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रेंड आपका नरौरा। नरौरा कहाँ पड़ता है फ्रेंड, ये पड़ता है बुलंदशहर। बुलंदशहर ध्यान रखिएगा, यूपी के बुलंदशहर में नरौरा पड़ता है, जहां पे आपका नाभिकीय ऊर्जा परियोजना संयंत्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, रामपुरा जो भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गांव बना है। अच्छा ध्यान रखिएगा, पहला गांव बना है वह कहां स्थित है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। रामपुरा गांव है, ध्यान रखिएगा रामपुर नहीं है, रामपुरा गांव। ठीक है, तो ये पहला गांव है जिसने अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाया है। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड उत्तर प्रदेश आपका, ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश 12 एक्सप्रेसवे के साथ में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य भी आपका बन गया है, जिसमें भारत का सबसे बड़ा जो एक्सप्रेसवे है जिसे हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे कहेंगे वो भी आपका उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 के लखनऊ में आयोजित भारतीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब देखिए 1916 का ही लखनऊ अधिवेशन क्यों पूछा, जबकि इतने सारे हुए थे, 52 अधिवेशन, 53 अधिवेशन भी हमारे पास है। तो 1916 का जो अधिवेशन है फ्रेंड वो आपका लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता से संबंधित है। अब ये समझौता क्या था, ये समझौता था फ्रेंड जो आपका 1907 में जो कांग्रेस थी वो दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। इसी लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, आपका नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों इकट्ठा होते हैं, इसीलिए इसकी अध्यक्षता किसने की वो आपसे पूछा गया है। तो एनी बेसेंट जो है ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा पहली महिला अध्यक्ष। और ये कब बनी है, ये बनी है फ्रेंड आपकी पहली महिला अध्यक्ष है और ये बनी है 1917 में, ये चीज ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में। हमसे 1916 का पूछा है, अंबिका चरण मजुमदार जी थे। ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 यानी ए सी मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार, ध्यान रखिएगा। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 38, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो फुलहर झील जो है फ्रेंड ये आपके उत्तर प्रदेश के एक जिला पड़ता है जिसका नाम है पीलीभीत, पीलीभीत वहीं स्थित है। अच्छा इस झील को पूछने का कारण क्या है, इसी झील से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी, और इसी गोमती नदी के किनारे यूपी की जो राजधानी लखनऊ है वो स्थित है। फ्रेंड ये हम लोगों ने अपने देखते हैं 38 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो और क्वेश्चन को करने का तरीका अच्छा लगा हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप एक बार इस शेड लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।